हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपकी मैम रेनू मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिकेशंस, देववाणी संस्कृत पाठ माला भाग 5, एकादश पाठ, सिंह ब्राह्मणश्च। ब्राह्मण और सिंह क्या होता है? शेर। शेर और ब्राह्मण के बारे में बताने जा रही हूँ। आपने बच्चों बहुत पहले कहानी सुनी होगी कि एक ब्राह्मण था और एक शेर था। शेर बूढ़ा हो गया था, तो कुछ भी करने में सक्षम नहीं था, तो वो लालची हो गया था। तो वो लोगों को रोक रोक कर रास्ते में क्या कहता था, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया तो आपका सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। चलिए जानते हैं पाठ के बारे में कि पाठ हमारा क्या कहता है। ये आप देख रहे हो बच्चों, ये जो है ये ब्राह्मण है और ये शेर है, बूढ़ा शेर हो गया है। कस्मिंश्चित वने को अपि सिंह वसति, इसमें किसी वन में एक शेर रहता था। सह वृद्ध आसीत, वह क्या था? बूढ़ा था। सह प्राणी नाम वधे असमर्थ आसीत, वो प्राणियों का वध करने में यानी कि लोगों को मारने में वो असमर्थ था। सह नद्या तीरे तिष्ठति, इसमें वो नदी के किनारे रहता था। तस्य पार्श्वे स्वर्ण कंकणम आसीत, उसके पास एक स्वर्ण कंकणम सोने का कंगन था। अनेन सह पथिकान लोभयितुं यतते, इसमें इससे वो क्या करता था, राहगीरों को जो रास्ते में चलने वाले लोग थे उनको लुभाने का, उनको लालच देने का प्रयत्न करता था। सह कथयति, इसमें वह कहता था, क्या कहता था राहगीरों से, भोपाल तिष्ठ पलम एकम, अरे यात्रियों कुछ क्षण के लिए रुको, स्वर्ण कंकणम ग्रहण, इस सोने के कंगन को ले लो। परम कोपि जनः तस्मिन् न विश्वसिति स्म, परंतु कोई भी व्यक्ति उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि शेर तो शेर ही है, सबको डर लगता था कि ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। इसलिए कोई भी उसकी इस बात पर, जो भी जब भी वो कहता था कि सोने का कंगन ले लो, तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। एकदा एक लुब्ध ब्राह्मण तत्र आगच्छत, एक बार एक लालची ब्राह्मण वहां आया। सिंह तम अकथ्यत, शेर ने उसको कहा, भोपांथ अरे यात्री, ग्रहणेनम स्वर्ण कंगणम, इस सोने के कंगन को ले लो। तेनालोचितम, उसने सोचा, भाग्य नहीं तक संभवती, सब कुछ भाग्य से ही संभव होता है। परम अत्र आत्मसंदेह प्रवर्तिनम विधेया, परंतु ये मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए या संदेह करना चाहिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। से प्रकाशम एकथ्यत, उसने सामने होकर उसको बोला, किसको बोला, शेर को बोला उसने कि पुत्र तम तव कंकणम, तुम्हारा सोने का कंगन कहाँ है। सिंह हस्तम प्रसारे कंकणम अदर्शत, शेर ने क्या किया, हाथ में लिया सोने का कंगन और उसको दिखाया और कहा, ये लो, ये रहा आपका सोने का कंगन। शेर ने सोने का कंगन उसको दिखा दिया। पंथो अवदत, राहगीर ने बोला, कथम बारात्मिके त्वयि विश्वास है, तुम हिंसक प्राणी का मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम नहीं मारोगे। सिंहो अवदत, सिंह ने कहा, शृणु सुनो, पुरा अहम दुष्ट आसम, पहले मैं बहुत दुष्ट था, मेरा बुरा आचरण था, अनेके पशु मया मारिता, बहुत सारे पशु मेरे द्वारा मारे गए थे, यानी कि मैंने बहुत सारे पशुओं को मार दिया था। तेषां वदात्मे पुत्रा दारा च मृता, उनके वध करने से, उनको मारने से क्या हुआ कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे वो मर गए। संप्रति अहम वंशहीन धर्म आचरामि, उस तभी से लेकर मैं धर्महीन हूँ, मैं क्या हो गया हूँ, मैं वंशहीन हो गया हूँ और धर्म का आचरण करता हूँ। तब से क्योंकि मेरे बच्चे खत्म हो गए, मेरी पत्नी चली गई, तो मैं क्या हो गया हूँ, मैं वंशहीन हो गया हूँ और मैं धर्म का आचरण करता हूँ। मया अपि धर्मशास्त्राणि अधीतानि, मैं भी धर्म शास्त्रों को पढ़ता हूँ, मैंने भी धर्म शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। भवान अस्याम नद्याम स्नानम कृत्वा कंकणम ग्रहणातु, आप इस नदी में स्नान करके और इस कंगन को ग्रहण करो। पंथेन तस्योपरि विश्वास कृत, राहगीर ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया। सह लोभात सरह स्नातुं प्रविष्ट शीघ्रमेव जय महापंखे निमग्ने, लोभ के कारण, लालच के कारण उसने क्या किया, नदी में प्रवेश करने के लिए, जैसे ही नदी में प्रवेश किया तो वो क्या हुआ, कीचड़ में डूब गया। अतः स पलायितुम अक्षमो, और इसलिए वह भागने में या निकलने में
असमर्थ हो गया। जब पानी में नीचे कीचड़ थी, वो कीचड़ में फंस गया, तो इस प्रकार वो पानी में से निकल नहीं पाया, पानी में से निकलने में, कीचड़ में से निकलने में असमर्थ हो गया। और बच्चों बात भी है, जब हम कहीं दलदल में या पानी में फंस जाते हैं तो इतना, क्योंकि हमारे जो शरीर है वो इतना हैवी हो जाता है कि हम उससे निकलने में असमर्थ रहते हैं, हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। सिंघू अवदत्त शेर ने कहा, अहम त्वाम उत्थापयामि, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, तुम महाकंपन के निमग्नोसि, तुम बहुत बड़ी कीचड़ में फंस गए हो। तदा से पांथे सिंघेन जतः अचिंत्यत, तब उस यात्री ने सिंह के बारे में सोचा। नदी नाम शस्त्र पाणी नाम नखी नाम शंगी नाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः श्रीशु राज कुलेशु च। क्या कहा उसने, पति ने क्या सोचा अपने मन में जब वो कीचड़ में सन गया, तो उसने सोचा, उसने कहा कि नदियों का और हाथ में शस्त्र धारण करने वाले का और नाखून वाले का और सींग वाले का और राजकुल जो राजा के कुल में रहते हैं राजकुल का और स्त्रियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कहा उसने कि नदियों का और जिनके हाथों में शस्त्र हो उनका, जिनके नाखून बढ़े हुए हो उनका और जिनके सींग हो उनका और जो स्त्रियां हैं और राजकुल में रहने वालों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने उन पर विश्वास कर लिया था। अनेन सिंगेन शास्त्राणि अधितानि पुनरपि स्वभावो दुरतिक्रमः, दुरात्माओं के लिए इस शेर ने शास्त्रों का अध्ययन किया फिर भी ये स्वभाव से कैसा है, दुष्ट है। इसने शास्त्रों का अध्ययन किया फिर भी ये स्वभाव से बहुत दुष्ट है। अतः अयम न विश्वास योग्य, यह विश्वास योग्य नहीं था। मया अस्मिन नारात्मके विश्वास से कृत, मैंने इस हिंसक प्राणी पर विश्वास कर लिया, तस्यैव एतत् फलम, उसका ही ये फल मुझे प्राप्त हुआ है। कथितम अस्ति, इसलिए कहा भी गया है, न धर्म शास्त्रम पठति कारणम न चापि वेदाध्यानम दुरात्मना स्वभाव एवात्र तथा अतिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम पय। क्या कहा है उसमें, दुरात्माओं के लिए धर्म शास्त्र का न पढ़ना ही केवल कारण नहीं है, जो बुरी आत्मा होते हैं, जो दुष्ट आत्मा होते हैं, उनका धर्म शास्त्र का पढ़ना ही न पढ़ना ही कारण नहीं है, न ही वेदों का अध्ययन करना ही उनका कारण है। उन्होंने वेदों का अध्ययन कर लिया है उनका ये भी कारण नहीं है, अपितु यहाँ तो उनका स्वभाव ही सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा तो स्वभाव होता है, क्योंकि गायों का दूध प्रकृति से ही मधुर होता है, गाय जो है स्वभाव से ही मधुर होती है, मधुरी दूध देती है और वो कड़वा नहीं होता है, क्योंकि दूध गाय का दूध हमेशा मीठा होता है, वो कभी कड़वा नहीं होता, क्योंकि गाय स्वभाव से ही मधुर दूध देती है। ऐसे दुष्ट व्यक्ति कितना ही धर्म का आचरण कर ले, कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले, लेकिन उसका स्वभाव तो दुष्ट रहेगा। तब वो पति सोचने लगा कि मैंने इस पर विश्वास कर लिया, इसलिए वो उसने क्या कहा, तो मया भद्रम न कृतम, इसलिए मैंने ये ठीक नहीं किया। एवं चिंतन, इस प्रकार विचार करते हुए सह पांथ है तेन व्याघ्रण व्यापादित है, और इस प्रकार विचार करते हुए उस पथिक को उस शेर ने मार डाला, क्योंकि उसका तो ये, वो तो शेर हिंसक था ही, जब वो शरीर से असमर्थ हो गया और वो औरों को मार नहीं पाता था, तो उसने एक सोचा, विचार किया, एक कंगन ले लिया, कहा कि लोगों को मैं लालच में, बहुत सारे लालची लोग होते हैं, जैसे कि ये ब्राह्मण था, इतना लालची था और ये सोने के कंगन के लालच में इसने ये विश्वास ही नहीं किया, इसने ये सोचा ही नहीं कि शेर मुझे सोने का कंगन क्यों देगा, लेकिन लालच के कारण उसने कहा अरे ये मुझे सोने का कंगन दे देगा, और उसने नदी में जाकर स्नान करने लगा, तो फिर क्या हुआ, वो कीचड़ में डूबने लगा। तब शेर ने उसको कहा कि मारकर खा लिया। बाद में उसने बहुत विचार किया कि मैंने इस दुरात्मा पर कैसे विश्वास कर लिया, लेकिन अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या फायदा है, ये तो उसको पहले ही सोचना चाहिए था। अगर वो जरा भी लोभी नहीं होता, अपना लालच ना दिखाता, तो वो इस प्रकार मारा न जाता। इसलिए बच्चों, कभी भी दुष्ट आत्मा पर, दुष्ट स्वभाव वाले पर कभी भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जिसकी प्रकृति, जिसकी प्रवृत्ति ही दुवृत्ति है, जो दुष्ट आत्मा है, वो सही कैसे हो सकता है, जिस प्रकार की पाठ में आपने इस शेर को देखा। पाठ में आए हुए बच्चों कुछ कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हैं, उनके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। वधाय है वध करना यानी कि मारना, कंकणम कंगन, लोभी तुम लालच देने के लिए, लुब्धा लोभी, पंथा क्या है, पांथ है मुसाफिर यानी कि यात्री, ग्रहण ले लो, और संदेह खतरा,
प्रसारण माने फैलाकर, और दर्श्य माने दिखाओ, पुरा पहले, मारात्मक है पापी या हिंसक, वंशहीन वंश से रहित वंशहीन, आचरामि आचरण करता हूँ, प्रविष्ट है प्रवेश किया, पलायितुम भागने में, महापंके कीचड़ में, पंख क्या होती है कीचड़, महापंके कीचड़ में, दुरतिक्रमण बदला नहीं जा सकता, भद्रम माने उचित, प्रकृति स्वभाव, दुरात्मन है दुष्ट का, व्यापादित है मार दिया, शास्त्र पाणी नाम शस्त्रधारी जिसने शस्त्र धारण किए हुए हो, नकी नाम नाखून वालों का जिनके की बहुत बड़े बड़े नाखून हो गए हो, ऋषंगी नाम सींग वालों का। तो इस प्रकार बच्चों पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थ के बारे में जाना हमने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, अभ्यास कर रहे। पहला प्रश्न है, सिंहे नद्या तीरे किमर्थम वसति स्म, नदी के किनारे शेर क्यों रहता था? वो इसलिए रहता था कि जिससे कि पतिकों को लुभाने के लिए सोने का कंगन दिखाकर, कि जिससे कि जब राहगीर आएंगे मैं उनको लोभवश कहूंगा कि ये सोने का कंगन मेरे पास है, वो मेरे पास आएंगे और इस लालच में वो फंस जाएंगे और मैं उनको मार दूंगा। सिंह पाठकान पथिकान लोभय तुम नद्या तीरे वसति स्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंह किम करतुम यतते स्म, सिंह पथिकान लोभय तुम वर्तते स्म। नेक्स्ट है, ब्राह्मणिन किम आलोचितम, ब्राह्मण ने क्या विचार किया? भाग्य नहीं तत् संभवती, भाग्य से ही ये सब संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणेन तस्मिन विश्वास है न कृते सति सिंह किम अकथ्यम, सिंह ने क्या कहा जब ब्राह्मण ने उस पर विश्वास नहीं किया? पूरा अहम दुष्ट आसम, पहले मैं बहुत दुष्ट था, अनेके पशुआ मया मारिता, बहुत सारे पशु मेरे द्वारा मारे गए, मैं पुत्रा द्वारा चमृता, मेरी पत्नी और मेरा मेरे बच्चे उसमें खत्म हो गए, अहम वंशहीन धर्म आचरामि, मैं वंशहीन हो गया और मैं धर्म का आचरण करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगेन दतो ब्राह्मणे किम चिंतयति, शेर ने ब्राह्मण ने उस धूर्त शेर के बारे में क्या विचार किया, क्या क्या नहीं करना चाहिए? नदी नाम शस्त्र पाणी नाम नखी नाम श्रृंगे नाम च विश्वास नैव कर्तव्य शिशु राजकुलेशु च, इन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किन किन पर? नदियों पर, और जिनके हाथ में शस्त्र हो उन पर, और किस पर? जिनके नाखून हो और जिनके सींग हो और जो राजकुल में रहते हो, और स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सह प्राणी न वधे असमर्थ आसी, वो प्राणियों का वध करने में असमर्थ था। दूसरा है, कोपि जनः तस्मिन् न विश्वसति स्म, कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं करता था। नेक्स्ट है, परम अत्र आत्मसंदेह प्रवर्तिनम विधेया, परंतु ये जो मैं संदेह कर रहा हूँ ये ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ ये उसको नहीं पता था ब्राह्मण को। सिंह हस्तम प्रसार कंकणम अदर्शयत, उसने क्या करा? हाथ फैलाकर सोने का कंगन दिखाया उस ब्राह्मण को कि ये सोने का कंगन मेरे पास है। अतो मया भद्रम न कृतम, इस प्रकार मैंने ये ठीक नहीं किया। किसने विचार किया ऐसा? ब्राह्मण ने विचार किया कि मैंने ये ठीक नहीं किया जो मैं इसकी बातों में आ गया, और अब मैं किस में फंस गया हूँ? एक कीचड़ में फंस गया हूँ। एक्सरसाइज हमारी संस्कृत में अनुवाद करिए, कुछ वाक्य दिए हुए गए हिंदी में, उन्हें हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला वाक्य है, वन में अनेक हिंसक पशु रहते हैं, वने अनेका हिंसक पशुआ निवसन्ति स्म। दूसरा है, कोई ना कोई लोभी पति उसे उससे आकर्षित हो जाता था, को अपि लुब्ध पतिकः तम आकर्षितम भवति स्म, इस समय मैं अकेला धर्मादि कार्य करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, संप्रति अहम धर्म आचरामि जीवनम यापयामि, वह कीचड़ में डूब गया सह महापंके निमग्ना, शेर ने उसे मार दिया, सिंह है तेन पतिक व्यापादित। तो इस प्रकार हमने पाठ में आए हुए बच्चों हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 5, क्रियापदों को चुनकर लिखो, हमें इसमें से क्रियापद चुनकर लिखने हैं। एकस्मिन मने एक सिंह वसति स्म, वसति स्म क्रियापद है। सिंह है प्राणी नाम वदे असमर्थ आसीत, इसमें आसीत क्रियापद है।
नेक्स्ट है फिर सिंह पति कान लो भाई तुम यतते स्म क्रियापद है सिंहो अवदत पुराहम दुष्ट आसम आसम क्रियापद है सिंहेन अनेके पशव मारिता सिंह ने अनेक पशु मार दिए मारिता हमारा क्रियापद है। तो इस प्रकार हमने क्रियापद को चुनकर यहां लिखा। एक्सरसाइज नंबर 6 पदों में जो प्रत्यय है उसको हमें छांटकर प्रत्यय छांटकर पद में से लिखना है कौन सा प्रत्यय है। लो भाई तुम प्रत्यय है। प्राप्य में लेप प्रत्यय है। सेव माने में शानच प्रत्यय है। उक्तवान में त्वतु प्रत्यय है और खादनीय में अनियर प्रत्यय है। त्वा में त्वा प्रत्यय है। गता में तव प्रत्यय है और गच्छन में क्षत्रि प्रत्यय है। तो इस प्रकार हमने पदों में से प्रत्यय को छांट कर लिखा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है बच्चों वाक्य बनाइए। वाक्य कंकणम एकम स्वर्ण कंकणम आसीत असमर्थ स प्राणीनाम वधे कर्तुम असमर्थ आसीत सह प्राणीनाम वधे करते कर्तुम असमर्थ आसीत प्रसार्य सह हस्तम प्रसार्य पांथ अवदत पथिक एकः पथिकः आसीत लोभयितुं स पथिकान् लोभयितुं नद्यातीरे वसति स्म। इस प्रकार बच्चों हमने पाठ में आए हुए वाक्य बनाए शब्दों के। रचनात्मक कार्य है हमारा एक्टिविटी। हमें लोभ का परिणाम कैसा होता है लालच का परिणाम कैसा होता है इसको अपने शब्दों में लिखकर अपने अध्यापक या अपने अध्यापिका को दिखाना है कि लालच कैसा होता है और उसके परिणाम उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि ब्राह्मण को लालच आ गया और वो शेर से सोने का कंगन लेने के लिए नदी में डूब गया और शेर के द्वारा मारा गया। ऐसे ही आपको लालच का क्या परिणाम होता है अपने शब्दों में आप हिंदी में भी लिख सकते हैं उसको और उसको लिखकर अपने अध्यापक या अपने अध्यापिका को अपनी होमवर्क कॉपी में दिखाइए और उन्हें बताइए कि लालच का परिणाम कैसा होता है इसके बारे में हमने जाना और लिखा। तो बच्चों अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर मिलते हैं। आभार।